हो गया फोल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन बैक विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में गाइस आज हम लोग हीरो C9 का रिव्यू करेंगे, जो कि ये रहा। ये एक फोल्डेबल साइकिल है एंड इसमें काफ़ी कुछ फीचर है, तो फिलहाल इसका टेस्ट राइड लेंगे, उसके बाद हम लोग गाइस इसका टोटल में रिव्यू बनाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये है गाइस हीरो की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल जो है C9। सो इसमें ये एक फोल्डेबल साथ ये काफ़ी एडवांस्ड इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो इस वीडियो में इसके फीचर के बारे में बात करूंगा। सो कुछ फीचर, बेसिक फीचर्स जो पहले वाले इलेक्ट्रिक साइकिल जो इनिशियल स्टेज में आते थे बिगिनिंग में, उसका सेम है वो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर गाइज एक कंट्रोलर है जो कि इसको स्विच ऑन करने से ये ऑन हो जाता है। ये बैटरी का मतलब चार डिस्प्ले जो आपको बैटरी का मतलब लाइफ दिखाता है कितना बैटरी है, और ये एक बटन, इसको अगर आप होल्ड करके रखोगे तो साइकिल जो है ये साइकिल जो है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। और यहाँ पर 3 मोड है, अगेन मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लो, मिड एंड हाई। लो मोड में आपको जो है ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, मतलब लगभग 75% एंड 25% जो है पैडल असिस्ट है, और मिड में 50-50, और हाई में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25% ही अफोर्ड देना है, बाकी का 75% जो है बैटरी से संचालित होगा, मतलब वो पैडल असिस्ट है। और अगर आपको जो है इस एक्सेलेटर को यूज़ करना है तो फिर आप टोटली एक्सेलेटर यूज़ कर सकते हो। इस स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रंट से इस यूनिसेक्स इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल की। तो यहाँ पर गाइज हम लोग अगर स्टार्टिंग पे आएंगे तो यहाँ पर हमें जो है एक LED लैंप देखने को मिलता है, रात को काफ़ी काम आएगा। अगेन यहाँ पर डिस्क ब्रेक, आई थिंक ये मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है। इसका फ़ायदा यही है कि इसमें जो है आपको मेंटेनेंस फ्री रहता है। और एक तरह का डिस्क ब्रेक आता है वो है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, बट इसमें जो है मैकेनिकल दी गई है। और ये भी टायर जो है इजीली खुल जाता है, तो मैं अभी फिलहाल बाद में आपको खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये फोल्डेबल है। एंड यहाँ पर जो पर गाइस पीछे हम लोग अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्पीड गियर बॉक्स है, और गियर पैनल गाइस जो कि आप फ्रंट से इसे चेंज कर सकते हो। एंड पीछे गाइस एक कैरियर ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है, हालांकि इसका हाइट काफ़ी कम है, बट इस कैरियर के नीचे ही हमें जो है पूरा का पूरा बैटरी देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस बैटरी को हम लोग गाइस अभी खोल के देखेंगे। यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने बताया कैरियर के नीचे जो है पीछे का कैरियर के नीचे एक बैटरी ऑप्शन है। सो बैटरी का अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक बंजी केबल है एंड यहाँ पर की दिया जाता है गाइस, तो की से हम इसे खोल सकते हैं। सो ये रहा गाइस इसका बैटरी, एंड ये बैटरी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे खोल के आप जो है घर पे चार्ज कर सकते हो। ऑप्शन इसलिए दिया गया है गाइस आप लोगों को क्योंकि अगर आप अपार्टमेंट पे हो तो आप पूरा साइकिल जो ऊपर में 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में नहीं लेके जा सकते, तो आप बैटरी खोल के जो है ऊपर लेके जा सकते हो, चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है एंड यहाँ से आपको जो है बैटरी लाइफ समझ में आती है कि कितना आपको बैटरी है और नहीं है। साथ ही साथ आपको एक कंट्रोलर में भी हालांकि एक सिग्नल दिया जाता है आपका बैटरी का, बट यहाँ पर भी आपको अलग से मिल जाता है। बैटरी को गाइस हम लोग अंदर करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि एक फोल्डेबल साइकिल किस किस तरह से फोल्ड होती है। टू यूज़ भी है, तो इसे फिलहाल हम लोग अब ये होगी लॉक। अब हम लोग देखेंगे कि गाइस ये कितने तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले ये सीट का ऑप्शन है, ये आपको अंदर चला जाता है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है गाइस जैसे इसे हम लोग खोलते हैं, खोलने के बाद हमने ऐसे कर लेना है और ये जो फिर थोड़ा सा ओके, अब ये हो गया फोल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गाइस इसे भी हम लोग पे कैरी कर सकते हो। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। राजीव का गाइस टी शर्ट में लिखा हुआ है अपना GF आएगा तेरा GF, बिल्कुल आएगा। पर गाइस फ्रंट में हमें एक LED लैंप देखने को मिलता है, वो कुछ इस तरीके का काम करता है। एंड पीछे गाइस हमें जो है
250 वाट का BLDC मोटर देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसे हम लोग जो आसानी से चला पाते हैं। ये एक यूनिसेक्स एडवांस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है, सो ये काफ़ी अच्छा रहेगा गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को फीचर बताया गाइस, एक यूनिक सा छोटा क्यूट सा बेल दिया जाता है, देन इसके बेल मतलब ऐसा सीन है कि ये जाके इसे हिट करता है तो आवाज़ होता है। तो बात करते हैं गाइस बैटरी लाइफ की, बैटरी का माइलेज कितना देता है। तो एक बार फुल चार्ज होने में ये लगभग 3 से 4 घंटा लग जाएगा, और बैटरी का जो लाइफ है गाइस लगभग 3 साल और 2 साल का वारंटी मिलता है। और बैटरी की माइलेज बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पे ये साइकिल जो है लगभग 25 किलोमीटर तक चलती है। एंड टॉप स्पीड की बात करें, अगर आप फुल्ली एक्सेलरेटर चलाओ तो मैक्सिमम स्पीड जो आपको 25 किलोमीटर पर आवर मिलेगी। एंड साथ में अगर आप मोड का यूज़ करके हाई मोड पे चलाओ एंड पैडल असिस्ट भी यूज़ करो तो ये अप टू 30 तक जा सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो लगभग ये 47,000 के आसपास आ जाएगा। सो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी हीरो स्प्रिंट शोरूम में आपको मिल जाएगा। अगर आप आसनसोल में हो तो आसनसोल का हीरो स्प्रिंट में आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं अगर ऑनलाइन का लिंक मुझे मिलेगा, अगर आप आउट ऑफ आसनसोल हो या फिर आपके आसपास हीरो स्प्रिंट का शोरूम नहीं है तो मैं ऑनलाइन का कुछ लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। सो गाइज़ ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो। इस चैनल पे गाइज़ पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर इस पेज पे गाइज़ आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। फॉलो बटन गाइज़ ऊपर है, सब्सक्राइब बटन नीचे है। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।